पूरा देश 75 साल की आजादी को मना रहा है, आजाद ख्यालों को, आजाद बचपन को, आजाद विचारों को, आजाद पत्रकारिता को, आजाद सपनों को, इन सारी चीजों में आजादी को सामने रखते हुए लोग सपना देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक नए भारत की तरफ, एक नए राह की तरफ। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बच्चियां, बहुत सी ऐसी लड़कियां आजादी की तरफ नहीं बढ़ पाई या नहीं बढ़ पा रही। आजादी से पढ़ने की इच्छा रखने वाली लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं। आजाद सपनों को देखने वाली लड़कियां सपना देख नहीं पा रही हैं। हर एक वक्त, हर एक जगह, हर एक पड़ाव में उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इसी संघर्ष की एक कहानी है कोमल। कोमल 15 साल की एक लड़की जो सहरसा झारखंड में पली बड़ी, बहुत ही मध्यम परिवार से आने वाली कोमल की सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी कि वो पढ़ाई करे, वो आगे बढ़े, क्योंकि उसने देखा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं उस घर के चंगुल में, खाना बनाने में, शादी में, परिवार में, सब में जूझ के रह जाएगी। वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, उसकी जिंदगी वो अपने कुंबे तक रह जाएगा। यही गलती की उसने क्या? सपना देखना गलती तो नहीं, ये तो आजादी का प्रतीक है, लड़कियों को तो आगे बढ़ाना ही है। लेकिन जो भी उसके साथ हुआ, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो गलत हुआ, और एक नजरिए से देखा जाए तो सही हुआ। कोमल की इच्छा थी कि वो पढ़ाई करे, और उसके घर की जो स्थिति थी उसको देखते हुए उसके माँ बाप पर बहुत बड़ा एक दबाव था कि जल्दी से जल्दी लड़की की शादी करा दी जाए, अगर शादी हो जाएगी तो और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना पढ़ाई की जिद करेगी ना कुछ, उसका घर बार सब व्यवस्थित हो जाएगा, उसका पति उसका ध्यान रखेगा। वो 15 साल की लड़की हुई तो क्या हुआ, उसको पढ़ने का मौका भी मिल सकता है, उसे घर गृहस्थी का सब कुछ अंदाजा हो ही जाएगा ना, और क्या चाहिए एक लड़की को, और क्या चाहिए एक महिला को, और कैसा परिवार चाहिए। दुर्भाग्यवश कभी ये लड़की को पूछा भी नहीं जाता। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लड़की पे कई तरह के दबाव शादी करने के आए। इसी दबाव को देने में एक रिश्तेदार, एक घर का ही व्यक्ति कामयाब रहा। उसने कभी कभी माँ बाप को, कोमल की माँ बाप को समझाने की कोशिश की कि उसकी शादी करा दो, और कभी कोमल को ही समझाने की शादी करा। माँ बाप और कोमल के इस कश्मकश में, इस जंग में कोमल जीत गई, और कोमल किसी को ना बताकर उस रिश्तेदार के साथ ट्रेन में कोटा राजस्थान आ जाती है। कोटा राजस्थान में उसको एक परिवार से मिलाया जाता है, जहां पर ये बताया जाता है कि उनकी इनसे शादी होगी। रातों रात वो रिश्तेदार उसकी शादी उसी आदमी से करा देते हैं, और वो खुशी खुशी कोटा से थोड़ी दूर बूंदी एक जगह है राजस्थान में, वहां चली जाती है।
15 साल की लड़की शादी कर ली, घर गृहस्थी में उसका आगमन हो गया, पर कोमल के दिमाग में हमेशा ये बात की जल्दी थी कि मैंने तो शादी इसलिए की क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। और उसके उसका दिमाग हमेशा इसी बात में चलता रहा कि पढ़ाई कब शुरू होगी, पढ़ाई कब शुरू होगी, मेरे माँ बाप तो पढ़ाई करवा नहीं पा रहे थे। तो वो अपने पति से इस बात का कई बार जिक्र करने लगी, लेकिन उसने देखा कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी या दिलचस्पी नहीं आ रही थी। वो लगातार इसके बारे में सोचे जा रही थी कि पढ़ाई कब शुरू होगी, कब वो होगा, लेकिन जब उसने ये चीज़ की दिलचस्पी नहीं देखी तो अपने ससुर से उसने जाकर कहा कि मुझे मायके भेज दो, मैं घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ। वो दिन मानो उसके लिए एक 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 काला दिन था। क्यों? उसके ससुर ने कहा, तुझे कभी मैं मायके नहीं भेजूंगा, कभी मायके नहीं भेजूंगा। वो तेरे रिश्तेदार ने तुझे बेच दिया है, 1,60,000 दिए हैं मैंने तुझे अपनी घर की बहू बनाने के लिए। अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, यही तेरा घर है, यहीं पे काम करना है। कोमल को मानो उसे क्या दिख गया, मानो उसके उसका उसके ऊपर पूरी पूरी छत गिर गई हो। पढ़ाई के सपने को आगे बढ़ाने के लिए अपने शहर, अपने गांव, अपने परिवार को छोड़ा जिसने, वो आज एक जगह अकेले बैठ गए। उसके सारे सपने मानो चूर चूर हो गए, उसके सारे सपने मानो खत्म हो गए। खैर, ये अंत नहीं था। कोमल के मां बाप लगातार उसे ढूंढ रहे थे। बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से उन्होंने कोमल का घर भी ढूंढा, वो कोमल तक पहुंचे भी। और कोमल जब अपने माँ बाप को इतने दिनों बाद मिली तो अपने पिता से चिपट कर लपट कर रोती रही। उसको नहीं पता था कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य उसे क्या देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान से वो बिल्कुल परिचित हो गए। उसे लगा कि वो वापस अपने घर जा सकती है, और वापस वो अपने घर गई। बीच में एक हादसा हुआ, जब घर जाने के वक्त बाद उसे मेडिकल टेस्ट वगैरह करने पड़े तो उसे पता चला कि उसके पेट में उसके शौहर का बच्चा है और वो उसे गिरा देती है। सपनों का चूर चूर होना, सपनों का टूट जाना, ये आवाज नहीं देते, सिर्फ एक घाव देते हैं मन में, तन में, एक बहुत बड़ा घाव। पर बहरहाल आज वो अपने माता पिता के साथ है, खुश है, शायद माता पिता उसे पढ़ाए भी। और हम लगातार बचपन बचाओ आंदोलन जैसी संस्थाओं से ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो उनको पूरी तरीके से मदद करेंगे। आज ये कोमल की कहानी लाखों परिवार की कहानी हो सकती है, या है भी। बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, विवाह के लिए 18 साल तक इंतजार करना उतना भी जरूरी है।
आइए कोमल जैसी हजारों लड़कियों के बारे में सोचते हैं और कभी भी ऐसी सूचना मिले तो इसका विरोध करते हैं और बाल विवाह मुक्त भारत की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।